अपनी सहायता आप करे जो, देता उसका साथ विधाता, अन्यों पर अवलंबित है जो, पग पग है वह ठोकर खाता। दोस्तों, अपनी सहायता स्वयं करने वाला व्यक्ति कालजयी होता है, वह आत्मनिर्भर होता है और अपने भाग का शिल्पी स्वयं होता है। ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में अमीर होता है, कारण उसका प्रत्येक कदम अपनी भलाई के लिए उठता है, प्रत्येक पल को यादगार बनाने के लिए वह जीता है। आज समाज में गरीबी अभिशाप बन गई है, गरीबी सचमुच दुखदाई है, परंतु आत्मनिर्भर व्यक्ति मेहनत की पूंजी के बल पर विजय प्राप्त कर लेता है। गरीब पैदा होना दुख की बात नहीं है, परंतु गरीब के रूप में जाना जाना दुख की बात है। अज्ञानी, बुद्धिहीन और अयोग्य व्यक्ति असफल है तो कोई बात नहीं है, परंतु योग्य व्यक्ति यानी सफलता पाने के सभी गुणों के रहते हुए और सफल लोगों की श्रेणी में है तो दुख ही नहीं, बहुत ही बड़े शर्म की बात है। मैं अपना स्थान स्वयं बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं अपने प्रगति के लिए स्वयं काम करता हूं। आज आप जिसे दुर्भाग्य कहते हैं, वही आपके लिए सौभाग्य का प्रतीक बन सकता है। आप स्वयं ऊपर उठ सकते हैं। आज आप जहां हैं वहां इसलिए हैं क्योंकि आप वही होना चाहते हैं। आप भरोसा रखिए, आप जहां होना चाहते हैं वहां आप निश्चित पहुंच सकते हैं। बस प्रेरणा, उत्साह और साहस का दामन थामे रहिए। आदमी प्रतिदिन अपने कर्म से अपने भाग्य स्वयं लिखता है। वह आगे बढ़ने की सामग्री जुटाता है, भाग्य की तस्वीर बुनता है, कष्टों को झेलकर अपने जीवन का निर्माण करता है। इस संसार में सफलता श्रम के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सफलता रूपी मंदिर का द्वार किसी के लिए खुला हुआ नहीं मिलता है, उसमें प्रवेश करने के लिए आपको ही खोलना पड़ता है। सभी महान पुरुषों ने अपना निर्माण स्वयं किया हुआ है, वे सेल्फ मेड होते हैं। जिस दिन से आप अपनी सहायता स्वयं करना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपके भाग का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर परिवार, समाज, राज्य और देश का निर्माण होने लगता है। ये कहा गया है, देश को समृद्ध बनाना है तो अपने देश की जनता को समृद्ध बनाओ। भावी पीढ़ी के सामने आप किस रूप में याद किए जाना पसंद करेंगे, वैसा कार्य आज से शुरू कीजिए। आप किस रूप में याद रखे जाना चाहेंगे, आपको अपने जीवन को कैसा स्वरूप देना है, उसे एक कागज पर लिख डालिए। वह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ हो सकता है। मेरा मानना है, जीवन की धारा से स्वयं को अलग न करना ही सही में स्वयं की सहायता है। जीवन की धारा के साथ होने का मतलब है समय के साथ चलना, उसका महत्व को समझना, कर्म के प्रति लगाव रखना और कठिनाइयों से संघर्ष करना। प्रकृति हम लोगों को सिखा रही है, अगर रुक गए तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। पेड़ जब तक बढ़ता रहता है प्रगति करता है, जब बढ़ना रुक जाता है तो वह सर जाता है यानी नष्ट हो जाता है। जीवन कहता है, सार्थक काम करो, भला होगा, आपकी भलाई इसी में है। मैं तो कहूंगा, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो आज से दूसरे व्यक्ति के लिए भलाई का काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, दूसरा जो सफल होने के लिए संघर्ष कर रहा है उसको सहयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नियम कहता है, आप दूसरे के लिए जो काम करते हैं वो आपके लिए स्वयं हो जाता है। दोस्तों, आप समस्या की बात न करें, हमेशा समाधान के संबंध में सोचें। पीछे की बात न करें, दो कदम आगे बढ़कर सोचें। हार की नहीं जीत की बात करें, लोगों को उलझाने की नहीं उनके समस्याओं को सुलझाने की बात करें, घृणा की नहीं प्यार की बात करें। आपको नया जीवन मिलेगा और आप सफल इंसान की श्रेणी में आ जाएंगे। यही माध्यम है जिससे आप अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।